हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चा जी? बहुत बढ़िया आया ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो पहले आप सबको काम करना है, राइट बच्चा जी? हाँ आया ना, वो अटेंडेंस मार्कअप करवानी है। समझ में आ रहा है ना? तो जो प्रेजेंट है तुरंत आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट बच्चा जी? तुरंत तुरंत आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट? सो गाइज, मैं इंद्रजीत सिंह अनअकैडमी सीबीएसई लाइव डेली पे तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चा जी। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? हाँ ना। आई कैन सी पंकज, यशवंत, अभिनव, जसकीरत, दीक्षा, सुशांत, रिमझिम, यशवंत, गीत, तनिष्क, सुशांत, शिवानी, ओके, रिमझिम इज देयर, रोहन, डेविड, अनुज, राइडर, एलिमेंट अर्थ, ओके, दीक्षा, रचित। गाइज, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है? सबसे पहले आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सबसे पहले आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, समझ में आ रहा है? फिर मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, तुम लोगों को कल मैंने जो इवेंट ली थी कि मैंने 50% इवेल्युएशन कंप्लीट हो चुका है। हाय शिवानी, मैंने आपका नाम ले लिया, राइट? सत श्री अकाल राजवीर, ओके, आर्तव इज देयर, रचित, लक्ष्मी, बेस्ट, टाइसन। कल जो मैंने इवेंट ली थी उसमें मैंने बताया था कि 10th और 12th एस्पिरेंट्स के लिए 50% इवेल्युएशन कंप्लीट हो चुका है। हाँ ना, बस आज एक और नया अपडेट है। कल बहुत बच्चों ने बोला था कि सर सिलेबस के बारे में बताइए, सिलेबस के बारे में बताइए, क्योंकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे रिड्यूस सिलेबस का बहुत बड़ा हल्ला मच चुका है, जबकि सीबीएसई की तरफ से इतना परफेक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया। 25% कम होगा, यह हर जगह हल्ला हो चुका है, लेकिन आज मैं परफेक्ट बताने वाला हूं। मे भी कम कहां हो सकता है, क्या नहीं, और एक एक चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक के साथ बताऊंगा, एक चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक के साथ बताऊंगा कि क्या क्या पूरे 12th में कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ द 2021। सबसे पहले सबसे बड़ी अनाउंसमेंट गाइस, राइट? सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है आपके लिए, राइट? ये संडे को हम अनअकैडमी सीबीएसई टीम एक जबरदस्त इवेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए, सीबीएसई टॉप 10 क्वेश्चंस, सीबीएसई टॉप 10 क्वेश्चंस, एक तरीके का मैराथन रहेगा पूरी टीम, राइट? हर एक सब्जेक्ट में 11th और 12th के लिए बेस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस आपके साथ लेके आएंगे। जून 7 को सुबह 11 बजे ये इवेंट चलेगी, जरूर प्रेजेंट रहिएगा। आज की सबसे बड़ी अपडेट ये थी, समझ में आ रहा है? आज की सबसे बड़ी अपडेट ये थी, राइट? लाइक्स को जरूर प्रेस करते रहिएगा, राइट बच्चा जी? हाँ है ना। सबसे पहले स्टार्ट होता है, राइट, क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं, राइट बच्चा जी? क्लास 12th में कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या चीजें आने वाली है, समझ में आ रहा है ना? हाँ है ना, ठीक है ना। आगे वाले चैप्टर्स में से मैक्सिमम मिनिमम चीजें, समझ में आ रहा है ना? आप ऐसा समझो नल एंड वॉइड है, कुछ हटाया नहीं गया है, समझ में आ रहा है? जो भी असर आया होगा वो पीछे वाले चैप्टर्स में आया होगा, राइट? प्रैक्टिकल कौन कौन से आपको कंडक्ट कराने वाले हैं वो भी मैं बता दूंगा डिटेल में। चलिए, सबसे पहला अगर मैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, ताकि आपको लगे व्हाट एवर आई एम कंट्रीब्यूटिंग हियर इट इज नॉट अ फेक थिंग, समझ में आ रहा है ना? इट इज अ कंप्लीटली परफेक्ट थिंग। व्हाट इज अवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट बच्चा जी? इट इज अ कंप्लीटली द साइट ऑफ द सीबीएसई, राइट? हाँ, चलिए सबसे पहले मैं क्लास के 12th की इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की बात करता हूं, समझ में आ रहा है? हाँ ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का अगर आप टॉपिक पढ़ते हो ना, समझ में आ रहा है बच्चा जी? सो इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस थी, समझ में आ रहा है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस, गॉस थ्योरम वगैरह वगैरह, सारी चीजें आपको दिख रही है। देखिए, पॉइंट चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बाइपोल एंड टॉर्क, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें गाइज आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन फॉर द रिजिड बॉडीज है वो भी दिख रही है। हाँ ना। आलोक बेटा गुड इवनिंग, शिवानी, विभू, सिमरन, सुशांत, प्रियांशु, आलोक, अमन, एडवर्ड, समझ में आ रहा है? नहीं बेटा, पूरा दिन नहीं लग जाएगा, फटाफट 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 हम देखते जाएंगे, आखिर आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली यही एक वीडियो है, समझ में आ रहा है ना? आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली यही एक वीडियो है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बच्चा जी, दैट इज कैपेसिटेंस। एंड इस साल जो हम पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से, अभी तक का जो सिलेबस हर एक बच्चे को एक्सेप्ट करना है वो, थैंक आलोकित, समझ में आ रहा है? हाँ, अभी आगे अगर
कोविड 19 का केस बहुत खराब होता है हमारी कंट्री में और कुछ चेंजेस आएंगे तो भी मैं वो प्रैक्टिकली बताता हूँ, 12th में आने की सबसे कम पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 12th में आप बोर्ड में अपियर करोगे, सारी आने की पॉसिबिलिटी 11th में है क्योंकि 11th का मैक्सिमम पार्ट स्कूल के हाथ में होता है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर रिडक्शन भी होता है तो 12th में नहीं होगा, आप इसको फिक्स समझ के ही चलिए जो अभी मैं बता रहा हूं इस सेशन में। हाय अमन, समझ में आ रहा है? हाय आलोक, मुकुल, ठीक है ना बच्चा जी? यस, दिस इज अ न्यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू एकेडमिक कैलेंडर एंड करिकुलम एक्टिविटी कैलेंडर के हिसाब से, जो नया है कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर आया उसके हिसाब से। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल में हाँ एक चीज हटी है, वन डे ग्राफ जनरेटर हट गया है, राइट बच्चा जी? ये सबको पता था, वन डे ग्राफ जनरेटर ऑलरेडी हट चुका है, उसका कोई भी नहीं है, हायना, ठीक है ना बच्चा जी? ओके, मैं वही कह रहा हूं जो 25% सबने प्लेटफॉर्म पे हल्ला मचा के रखा है, समझ में आ रहा है ना? ऐसी तो पहली मैं चीज कहूंगा कि ये कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर कम होता है, सीबीएसई ये डिसीजन लेती है तो वो 11th के लिए ले सकती है, वो भी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो उनको बीएससी या एमएससी या एमबीबीएस में रिपीट हो सकते हैं, वो पूरा डिसीजन लेके। बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में इतने सालों में कोई फर्क नहीं आया, अगर वो आता है तो आज के बाद हर बात के लिए वो वैलिड रहता है। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि वन डे ग्राफ जनरेटर बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चा जी? वन डे ग्राफ जनरेटर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, डाइपोल, समझ में आ रहा है? डाइपोल की वजह से कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ओके, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर, हाँ, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का भी इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, वन डे ग्राफ जनरेटर और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला, वो चीज आप याद रख सकते हो। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप इधर उधर की बातें छोड़ के, हाँ मैं सिर्फ फिजिक्स का बताऊंगा, आप इधर उधर की बातें छोड़ के जरा यहां ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, समझ में आ रहा है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आ रहा है ना? हम क्या क्या पढ़ते थे? पोटेंशियोमीटर पढ़ते थे, ठीक है ना बच्चा जी? हाँ है ना, मीटर ब्रिज पढ़ते थे, विटस्टन, ओम्स लॉ पढ़ते थे, समझ में आ रहा है ना? आगे के 5-6 चैप्टर्स में मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस है, हाँ समझ में आ रहा है ना? आगे 5-6 चैप्टर जो भी आएगा पीछे आएगा, बता रहा हूं ध्यान से देखिए, इसलिए मैं आगे तेजी से चल रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, उनकी लिमिटेशंस, समझ में आ रहा है ना? सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टिविटी के टॉपिक, समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ है ना। और इसके साथ जो जुड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना, वो पोटेंशियोमीटर, लेकिन इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है बोर्ड्स के लिए, समझ में आ रहा है? आ सकते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। वंदना, देयर इज सम चेंज, जैसे कि वन डे ग्राफ जनरेटर को नहीं है, समझ में आ रहा है ना? बहुत टिपिकल टॉपिक है। अभी लेटेस्ट जो करिकुलम सीबीएसई के हिसाब से एक्टिविटी कैलेंडर आया है उसमें नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ है ना। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स टू, राइट? पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, समझ में आ रहा है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, लेकिन ये सारा हिस्सा जो है वो आप एक्सपेरिमेंट में भी कंडक्ट कर चुके हैं, ये सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट में भी देख चुके हैं बच्चा जी, आया ना? ये सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट में भी देख चुके हैं, समझ में आ रहा है ना? यस, पोटेंशियोमीटर है लेकिन उसकी 3 एप्लीकेशंस आती है, समझ में आ रहा है ना? आया ना, राइट? हाँ गाइज, जितने लोग पहले वॉच कर रहे हैं ना, अभी तुरंत लाइक को प्रेस करके अपने अटेंडेंस को मार्क करवा देंगे फटाफट, हाँ ओके, जल्दी बच्चा जी, राइट? तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट 2 था। अब आगे मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसमें भी सेम है, राइट बच्चा जी? जो इस साल हम पढ़ने वाले मैं वही बता रहा हूं, कम जो हुआ है वो मॉडर्न फिजिक्स में हुआ है और इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो कम हुए, समझ में आ रहा है, राइट बच्चा जी? ओके, राइट? हाँ है ना। तो इससे अलावा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है? फिर भी मैं बता देता हूं एक बार वेरिफिकेशन के लिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, बाय सावर्ट्स लॉ इन एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन थी, साइक्लोट्रॉन वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट? थैंक्स आलोक, थैंक्स फॉर दिस बच्चा जी, हाँ है ना? हर एक बच्चे के लिए एक टीचर बेस्ट होता है, राइट? सेमीकंडक्टर पर भी आ रहा हूं, राइट? मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, राइट? करंट इक्वेशन, करंट लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट की इक्वेशंस, मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी इक्वेशंस थी वो सारी है, समझ में आ रहा है?
राइट, परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में है, समझ में आ रहा है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सारी चीजें हैं, उनकी हिस्टेरेसिस लूप वगैरह भी है, समझ में आ रहा है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं है जैसे मैग्नेटाइजेशन एनर्जी है, वो नहीं है क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आपको हर जगह पढ़ाया जाता होगा एनर्जी के बारे में, मैग्नेटाइजेशन एनर्जी के बारे में, लेकिन वो यहां नहीं है, समझ में आ रहा है। यस बच्चा जी, यस समीक्षा आयना। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड करंट इक्वेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी टोरॉइड, टॉर्क, समझ में आ रहे हैं ना, ये सारी चीजें भी ऑलरेडी है। परमानेंट मैग्नेट्स, समझ में आ रहा है आयना। हाँ, रे ऑप्टिक्स के बारे में भी बता देता हूं बच्चा जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको जो इतना हिस्सा दिख रहा है, राइट, फैराडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, लेंज लॉ और एडी करंट्स, म्यूचुअल एंड सेल्फ, इतना है, राइट बच्चा जी, ये इतना ही हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो आपके सामने आ चुका है, राइट गाइज। मंडे से भी मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप जरूर मुझे सपोर्ट करिएगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि दूसरों को पढ़ाने लायक हो जाओगे, समझ में आ रहा है बच्चा जी, हाँ या ना, एकदम परफेक्टली क्लियर है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, और खैर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, डोंट गेट वरीड, समझ में आ रहा है ना, इसकी पीडीएफ भी है। रितिका बेटा, 11th का मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो रिडक्शन होता है वो स्कूल की तरफ से 25% जो हल्ला है वो 11th का में भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, 11th का हो सकता है, मे बी 12th इज अ बोर्ड, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी एप्लीकेशन आगे जाएंगी, तो इसमें कम होने के चांसेस बहुत कम है, पर हाँ फिर भी सेमीकंडक्टर्स में कुछ कम हुआ है, समझ में आ रहा है ना। ऑप्टिक्स का जो कम हुआ है वो भी मैं बता देता हूं, वन डे ग्राफ जनरेटर जो हटाया गया था वो भी मैं बता देता हूं, आगे अपडेटेड रहिएगा। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद ऑल्टरनेटिंग करंट में, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू, मतलब इसमें हम करते थे ना, हाँ इसमें आरसी सर्किट नहीं है, समझ में आ रहा है ना, एक आरसी सर्किट करके था ना, राइट बच्चा जी, वो नहीं है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्सिक तुम लोग नीट और जेडब्ल्यू के लिए पढ़ते थे, तो ये आरसी सर्किट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हाँ समझ में आ रहा है ना। बोर्ड्स के लिए आपको एलसीआर, एलसी, आरएलएनसी और एसी जनरेटर, बस एसी जनरेटर, आरएलसी, एनएलसीआर, बस आरसी नहीं है, एलआर नहीं है, इतनी टिपिकल चीजें नहीं है, इंडक्टर में सिर्फ सीरीज और पैरेलल है, इतनी डिफिकल्ट चीजें नहीं है, क्लियर है बेटा, हाँ ना। अब आगे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी, सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिंपल सी चीज है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्क्रिप्शन है, समझ में आ रहा है ना, बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, और इतना ही है, समझ में आ रहा है। सिलेबस कम हुआ है, ऑप्टिक्स में कम हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स में कम हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और कैपेसिटेंस में कम हुआ है, राइट गाइज, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, कोई कंजूसी नहीं, राइट बच्चा जी। और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज में लेके आया हूं आपके लिए, समझ में आ रहा है, छोटे छोटे डेरिवेशन लेके आया, तो वहां पे भी आप सपोर्ट कीजिए, एवरीथिंग इज फॉर यू ऑल, हाई आंचल, क्लियर है, चलिए ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ये वगैरह जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है, समझ में आ रहा है ना। टेलीस्कोप आएगा, माइक्रोस्कोप्स आएंगे, समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना, राइट। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कॉम्बिनेशन और लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इतना हिस्सा है। पीछे वाला हिस्सा जो था वो कट चुका है, कौन सा, समझ में आ रहा है ना, ह्यूमन आई, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कट चुकी है, समझ में आ रहा है ना। स्कूल से कितने भैया, खुशी का नाम ले लो, हाई खुशी, हेलो बच्चा, क्लियर है गाइस। तो ऑप्टिक्स में इतने अपडेशन है, समझ में आ रहा है, हाँ ना, ऑप्टिक्स में इतने अपडेशन है। और आगे मैं बात करता हूं वेव ऑप्टिक्स की, समझ में आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूं, तो सिंपल है, यूजेस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ब्रैग्स लॉ और YDSE, इतना है, ब्रैग्स इक्वेशन, बूस्टर्स लॉ और ब्रूस्टर्स लॉ, राइट बच्चा जी, ये इतना है। यस, इस साल हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, आकांक्षा इंद्रजीत सर है, बहुत जबरे तरीके से पढ़ा देंगे, डोंट गेट वरीड, राइट बच्चा जी, हाँ या ना, ओके क्लियर है, राइट ओके okay? चलिए आगे की तरफ, इट कंफ्यूजिंग नाउ, संध्या कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, राइट मैं आपको सीधा, बल्कि मैं इधर उधर की बात नहीं करके सीधा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि क्या क्या आने वाला है, समझ में आ रहे हैं ना। इसका पीडीएफ अगर आपके पास मिल जाएगा तो टॉपिक के नाम के साथ सीधा आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करने वाले, राइट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में भी कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस अब आएंगे एटम में। अच्छा, एटम में सिर्फ इतना याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और एनर्जी लेवल, इतना ही है।
एटम में कुछ वेरिएशन आपको दिख रहे होंगे जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है ना, पड़ेगा बेटा, जरूर फर्क पड़ेगा, राइट? इसमें रदरफोर्ड का अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल और एनर्जी लेवल्स है, समझ में आ रहा है? ये इसमें तीन ही चीजें हैं एटम्स में, और न्यूक्लियाई में भी ज्यादा कुछ नहीं है, कम कर दिया गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर, उनकी प्रोसेसेस, समझ में आ रहा है? रेडियो एक्टिव डीके, समझ में आ रहा है? और अल्फा बीटा गामा इतना ही है, और थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का इंटरनल पार्ट, राइट? हाँ हाँ, पूजा डिलीट हुई है, अब हो रही है ट्रांजिस्टर का पूरा पार्ट नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ट्रांजिस्टर हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड, ठीक है बच्चा जी, ट्रांजिस्टर को पूरा हटा दिया गया है, ठीक है बच्चा जी। इसमें सिर्फ एनर्जी बैंड्स, डायोड्स के बारे में पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना? एनर्जी बैंड्स और डायोड्स के बारे में पढ़ना है, राइट बच्चा जी? क्लास 11th में कम होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, राइट? क्लास 11th में जो कम होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बच्चा जी नेक्स्ट टाइम दूंगा, समझ में आ रहा है ना? मेरा आज की सेशन का मकसद ये था कि पूरे 12th का डिटेल सिलेबस जो CBSE ने इस साल 2021 वालों के लिए निकाला है, और जो मैं आपको यूट्यूब पे कंप्लीट कराने वाला हूं, वो आपके सामने लाने का मकसद था। उसमें जो चीज निकल गई थी वो मैंने तुरंत बता दिया, पूजा कुमारी मैंने बता दिया, वन डे ग्राफ जनरेटर हट चुका है, आरसी सर्किट्स और कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट्स थी वो भी नहीं है बच्चा जी, एलआर सर्किट्स नहीं है वगैरह वगैरह, ट्रांजिस्टर का हिस्सा नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है बच्चा जी, क्लियर है? ओके, और फाइनल पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी नहीं है। प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके सामने आने वाले हैं वो भी एक बार देख लीजिए बच्चा जी, हाँ या ना? ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिकल की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इतने प्रैक्टिकल्स आपको कंडक्ट करने हैं, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, हाँ या ना? पूजा, हाँ, पीडीएफ बेटा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, राइट? उसमें से कुछ देर के बाद, सेशन के कुछ देर के खत्म होने के बाद आपको जरूर मिल जाएगा, हाँ या ना? अश्वानी बेटा, स्कूल में प्रैक्टिकल्स के मार्क मिलेंगे, हाँ या ना? सीबीएसई में प्रैक्टिकल किस तरीके से कंडक्ट होते पता है ना, बाहर से आता है एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करने के लिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ ना? लॉजिक गेट्स भी बेटा नहीं है, समझ में आ रहा है ना? देखिए यहां पे कहीं भी आपको लॉजिक गेट्स दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन लॉजिक गेट्स बहुत इजी पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना? राइट बच्चा जी, लॉजिक गेट्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसका कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि वो हटाया गया है, मतलब हमें लॉजिक गेट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, समझ में आ रहा है? लॉजिक गेट्स, हाँ, ट्रांजिस्टर का हिस्सा आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जी, आया ना? ओके, ट्रांजिस्टर का हिस्सा आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एकदम आपको दिक्कत होती थी ना उन सम्स में, उसको आप हिस्सा छोड़ देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बच्चा जी? हाँ ना? और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा हट गया, मतलब वैन डेर ग्राफ जनरेटर, ह्यूमन आई हट गया, आरसी सर्किट्स, एलआर सर्किट्स, समझ में आ रहा है ना? ट्रांजिस्टर का हिस्सा हट गया है, समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ ना? पूरा प्रैक्टिस पूरे 70 मार्क की होगी, प्रैक्टिकल 30 मार्क का होगा, समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ ना? और ये सेक्शन प्रैक्टिकल का एक सेक्शन और प्रैक्टिकल का बी सेक्शन आपके सामने है, समझ में आ रहा है? हाँ ना? इसकी डिटेल्स प्रैक्टिकल्स की आपको मिल जाएगी, डोंट गेट वरीड, राइट? प्रैक्टिकल्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, राइट? हाँ ना? ओके, हाँ, मैं यही, मेरा जो मकसद था आपको सारा कंप्लीट सिलेबस देने का था, और सेकेंड में ये बताने का था, यूट्यूब पे जो हल्ला चल रहा है वो एक्चुअल हल्ला नहीं है। अगर मान लो 25% रिडक्शन भी होता है किसी कारण, तो वो 12th में कभी नहीं होता, क्योंकि 12th तुम लोगों का भविष्य डिफाइन करेगा, इसमें से आगे एप्लीकेशंस आगे की फील्ड में जरूर आएंगी। तो जो अगर 25 में से कुछ परसेंटेज कम होता है, वो 12th में कम होगा, वो भी आखिरी आखिरी वालों हिस्सों में, समझ में आ रहा है ना? जो मे बी इंजीनियरिंग में रिपीट होगा और मेडिकल में काम लगने वाला है, जो मे बी इंजीनियरिंग में रिपीट होगा और मेडिकल की काम में लगने वाला है, समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ ना? तो यहां पे ये अपडेशंस थे मेरी तरफ से, राइट बच्चा जी? क्लियर है? हाँ या ना? ओके बच्चा जी, हाँ, इसकी वजह से 11th में अगर 25% में से कुछ चेंज होने वाला है, तो वो 11th में होगा, क्योंकि वो उसके हाथ में, और स्कूल्स के उनका एग्जामिनेशन स्कूल के कंडक्ट करवाने के हाथ में, राइट? तो वहां चेंज हो सकता है, लेकिन 12th में डिफिकल्ट है, और आगे वाले 6-7 चैप्टर में मैग्नेटिज्म तक और ऑप्टिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आगे आपको सबसे ज्यादा काम लगने वाला है। हाँ, आ जाएंगे, आज से सिलेबस स्टार्ट करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो जरूर आ जाएंगे, समझे गाइस? लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा यार, लाइक्स को प्रेस करने में कोई भी कंजूसी नहीं चाहिए, राइट? 11th क्लास के लिए भी डिटेल सिलेबस में जरूर लेके आऊंगा, राइट? 11th क्लास के लिए भी डिटेल सिलेबस में जरूर लेके आऊंगा, डोंट गेट वरीड, ठीक है बच्चा जी? चलिए गाइस, तो यहां पे सिंपल सी चीज मैं बता देता हूं, ये हमारा सीबीएसई 11 का टाइम टेबल है और ये 12 का टाइम टेबल है। देखिए मैं 3 बजे पढ़ाता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चालूंगा और करूंगा नेक्स्ट वीक से, तो जरूर प्रेजेंट रहिएगा, राइट? और गाइस, टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इस लिंक को एंटर कर दीजिए, राइट बच्चा जी? गाइस, लाइक्स को प्रेस करते जाना,
अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ, कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस, आप यहाँ इनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चा जी। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है, राइट? हाँ, ओके, सी लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर गोइंग ऑन हियर, सम ऑफ द डिटेल कोर्सेज, सम ऑफ द लॉट्स ऑफ डिटेल कोर्सेज आर गोइंग ऑन, राइट बच्चा जी? तो यहाँ पे सिंपल सी चीज, अगर जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, इसको इंस्टॉल कर दीजिए बच्चा जी, हाँ है ना, सिलेक्ट कीजिए प्लस, सिलेक्ट कीजिए 11-12 कैटेगरी और कर दीजिए सब्सक्राइब। वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा भाई, राइट? यूजिंग दिस कोड इज लाइव, ये जो कोड है बच्चा, इसको लेके तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, राइट? यहाँ पे फिजिक्स ऐसी पढ़ाऊंगा मैं कि दूसरों को पढ़ाने लायक हो जाओगे। थैंक्स आलोक, रिमझिम, मिथिलेश, प्रियांश, संध्या, प्रिया, उद्यान, नई सीरीज जो स्टार्ट हुई और ये जो संडे इवेंट है जरूर सपोर्ट कीजिएगा, राइट बच्चा जी? हाँ या ना? प्रीति बेटा, असली फिजिक्स हम भी पढ़ाते हैं, कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा देख लेना एक बार इंद्रजीत सर कैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाँ या ना प्रीति? अदरवाइज मेरी स्पेशल क्लास में आ जाना, देख लेना किस तरीके से पढ़ाते हैं, राइट? कोई कंपैरिजन नहीं है, सारे पर्सन एक ही मोटिव की तरफ जा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। ये बच्चे को ही ऐसा होता है कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है लेकिन सबका मोटिव एक ही है, आपकी अच्छी रैंकिंग। चलिए गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा विद हैशटैग, राइट बच्चा जी? हाँ है ना? लाइव स्कूल डेली, और सिंपल सी चीज है, सिंपल, ये हमारी सिस्टर चैनल है नीट JEE 9-10 एंड गाइज 11-10-12, राइट? टू स्टे अपडेटेड ऑन दिस चैनल एंड गाइज यूज दिस कोड इज लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए गाइज, जाने का वक्त आ गया है। सो दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, लाइक्स को प्रेस जरूर करते रहिएगा, राइट? विदा लेता हूं, जाने के लिए नहीं, कल वापस आने के लिए जा रहा हूं, राइट? हाँ ना? सो दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, बाय बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माई साइड बच्चा जी, बाय एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ।